इस कहानी की शुरुआत में हमें स्पेसशिप के अंदर विली नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो अपने मॉम डैड के साथ शिप में रहता था ताकि उनकी मदद कर सके। तभी विली को शिप में मौजूद डिवाइस और गैजेट तैयार करते हैं क्योंकि शिप के अंदर हाई टेक्नोलॉजी के डिवाइस मौजूद थे। विली फ्लैश राइडर गेम खेलने लग जाता है मगर उसकी मॉम वहां आकर गेम बंद करके उसे कहती है कि तुम्हें ब्रेकफास्ट करने के बाद अपने डैड की मदद के लिए स्टोर रूम में जाना है। मगर विली उसकी मॉम के साथ चलने की जिद करता है तो उसकी मॉम मना करते हुए लैब में चली जाती है। वहीं विली की मॉम लैब में केमिकल की मदद से एंटीडोट बना रही थी क्योंकि विली के डैड को एक पॉइसनस प्लांट की वजह से इन्फेक्शन हो गया था। तभी विली लैब में आकर पॉइसनस प्लांट के कांटेक्ट में आ जाता है जिसकी वजह से उसकी बॉडी में से कलरफुल बाल निकलने लग जाते हैं। तो उसकी मॉम पॉइसनस इन्फेक्शन खत्म करने के लिए उसे एंटीडोट पिलाती है जिससे विली नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद विली एंटीडोट को लेकर अपने डैड के पास जाता है जहां पर वो अपने उलझे हुए बालों के साथ सभी के लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रहे थे। इसीलिए विली अपने डैड को एंटीडोट पीने के लिए देता है जिसे पीकर उसके डैड नॉर्मल हो जाते हैं। तभी डैड उन्हें बताते हैं कि आज हमारा स्पेसशिप में लास्ट दिन है क्योंकि आज हमारा मिशन कंप्लीट हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने दूसरे प्लेनेट पर जाकर उनके सैंपल और क्रिएचर की फोटो का कलेक्शन कर लिया था। फिर हमें दिखाया जाता है कि विली के डैड दूसरे प्लेनेट के क्रिएचर की फोटो का सैंपल निकाल रहे होते हैं। तभी उनकी मदद के लिए विली उनके पास आता है तो विली पर भरोसा करके उसे दूसरे प्लेनेट से लाए गए सैंपल की फोटोज क्लिक करने का मिशन देकर उसकी मॉम के पास चले जाते हैं। मगर विली उनके जाने के बाद गेम खेलने लग जाता है। वहीं विली की मॉम उसके डैड को अकेला देखकर उन्हें कहती है कि तुम विली को अकेला छोड़कर आ गए। तो विली के डैड उसे समझाते हैं कि विली अब 10 साल का हो गया इसीलिए अपना ख्याल खुद रख सकता है। लेकिन तभी मीटियोराइट उनके शिप की ओर आने लग जाते हैं इसीलिए विली की मॉम शील्ड को ऑन कर देती है ताकि उनका शिप मीटियोराइट से बच पाए। मगर मीटियोराइट बहुत ज्यादा होने की वजह से शील्ड टूटने लग जाता है जिससे विली इधर उधर भागने लगता है। वहीं विली के डैड उसे स्टोर रूम में ढूंढने के लिए जाते हैं मगर वो वहाँ नहीं होता इसीलिए वो वापस कंट्रोल रूम में आकर विली से कॉन्टेक्ट करते हुए उसे ब्रिज पर आने के लिए कहते हैं। इसीलिए विली ब्रिज की तरफ जाने लगता है मगर एस्टेरॉयड शील्ड टूट जाने की वजह से डोर लॉक हो जाती है। तो विली के डैड उसे कहते हैं कि अब गेट नहीं खुल सकता इसीलिए तुम पोर्ट के अंदर चले जाओ जिससे तुम वहाँ सेफ रह सकते हो। तो पोर्ट के अंदर चला जाता है लेकिन अब शिप मीटियोराइट से टकराने की वजह से टूटने लग जाता है जिसकी वजह से पोर्ट में लगा प्रोग्रामिंग सिस्टम विली को बचाने की प्रोसेस शुरू कर देता है और विली के शिप से बाहर आने के बाद शिप ब्लास्ट हो जाता है। ये देखकर विली बहुत दुखी होने लगता है। तभी उसके मॉम डैड उसे कॉन्टेक्ट करके कहते हैं कि हम कुछ टाइम के लिए तुमसे दूर हुए मगर जल्द ही हम तुम्हें ढूंढ लेंगे इसीलिए तुम पोर्ट के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना। फिर हमें दिखाया जाता है कि बोर्ड मशीन एक अनजान प्लेनेट पर लैंड करती है जहाँ बहुत ही अजीब तरह के क्रिएचर मौजूद थे। तभी विली के पास बक नाम का रोबोट आता है जो उसकी मदद के लिए पोर्ट में प्रोग्रामिंग किया हुआ था इसीलिए बक विली को स्कैन करने के बाद उसे कहता है कि मैं तुम्हारा पर्सनल सर्वाइवल रोबोट हूँ और इस अनजान प्लेनेट पर तुम्हारी मदद करूंगा। फिर बक को वहाँ के एटमोसफेयर को एनालाइजम करने के बाद ऑक्सीजन होने का पता चलता है इसीलिए वो विली के सीट बेल्ट को खोल देता है। उसके बाद वो पोर्ट से बाहर जाता है तो विली उसे कहता है कि मुझे अपने मॉम डैड के पास जाना है जिस पर बक उसे कहता है कि पोर्ट मशीन एक जगह से दूसरी जगह लेकर नहीं जा सकती क्योंकि पोर्ट मशीन इमरजेंसी में लैंडिंग के लिए काम आती है। तो विली बक से पूछता है कि मैं अपने मॉम डैड के पास कैसे जाऊंगा। तो बक उसे समझाता है कि वो तुम्हें ढूंढ लेंगे क्योंकि जब कोई स्पेस ट्रेवल खो जाता है तो बहुत सारे प्रोब्स उसे ढूंढने में लग जाते हैं और पोर्ट में लगा ट्रांसमीटर हमारे लिए कंटिन्यू सिग्नल भेजता रहेगा और जब कोई प्रोब हमारे प्लेनेट के पास से निकलेगा तब प्रोब सिग्नल को पास के शिप में ट्रांसफर कर देगा जिससे हमें बचाने की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। ये सुनकर विली को लगता है कि जल्दी वो अपने घर में पहुंच जाएगा। वहीं फिर बक पोर्ट में मौजूद सभी खाने की चीजों को बाहर निकालता है मगर विली बहुत उदास होता है। ये देखकर बक उसे खुश करने के लिए डिस्कवरी किट देता है जिसमें मौजूद गैजेट की मदद से वो मस्ती करने लग जाता है और बक अपने लिए एक न्यू बैटरी को चार्ज करके अपने साथ रख लेता है। तभी विली गैजेट से लेजर लाइट निकालकर बक के साथ मस्ती करने लग जाता है। उसके बाद वो चोको क्रंचेस खाकर बहुत खुश होता है। तभी वो डिस्कवरी किट में से कैमरा निकालकर चट्टान के रूप में बैठे क्रिएचर का फोटो खींचने लग जाता है क्योंकि वो अपने मॉम डैड की तरह एक्सप्लोरर बनना चाहता था। लेकिन तभी रॉक मॉन्स्टर क्रिएचर बाहर आकर पोर्ट मशीन को तोड़ने के बाद उन पर हमला करने लग जाते हैं इसीलिए वो दोनों वहाँ से भागकर छिप जाते हैं मगर रेडियो ट्रांसमीटर और बैकअप बैटरी वहीं पर छूट जाती है इसीलिए बक अपने हैंड गैजेट की मदद
सदस्य हैं उन्हें वापस लेकर आता है, मगर वहाँ मौजूद चट्टान के रूप में बैठे सभी रॉक मॉन्स्टर एक एक करके बाहर निकलकर उनका पीछा करने लग जाते हैं। इसीलिए विली और बक उनसे बचकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन मॉन्स्टर विली को पकड़ने वाले होते हैं। इसीलिए बक उसे अपनी बैकअप बैटरी देकर बाइक में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और विली को बचाकर स्पीड में भागने लगता है। तभी विली के हाथ से बैकअप बैटरी नीचे गिर जाती है। बक सभी मॉन्स्टर से विली को बचाते हुए एक सुरंग में लेकर आ जाता है, मगर बक की बैकअप बैटरी वहीं छूट जाती है। वहीं बक बाइक में ट्रांसफॉर्म होकर नॉर्मल हो जाता है और रेडियो ट्रांसमीटर को अपने अंदर फिट कर लेता है ताकि रेडियो ट्रांसमीटर चार्ज हो सके। और बक दूसरी तरफ से बाहर निकल कर चारों तरफ देखने के बाद विली को सुरंग से बाहर निकलने को कहता है, क्योंकि बक का मिशन विली की सुरक्षा करना था। विली सुरंग से बाहर आ जाता है। तभी बक उसे कहता है कि हम जब तक प्रॉब नहीं ढूंढ लेते तब तक यहाँ पर सर्वाइवल करने के लिए रहने और खाने की चीजों का इंतजाम करना होगा। मगर विली आसमान में प्रॉब को ढूंढते हुए सो जाता है। फिर बक अपनी प्रोग्रामिंग सिस्टम को चेक करने के बाद रेस्ट करने लग जाता है। अगली सुबह विली अपने कैमरे से क्रिएचर की फोटो लेने की कोशिश करता है, मगर बक उसे पकड़कर दूर फेंक देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि विली को कोई क्रिएचर नुकसान पहुंचाए। फिर वो दोनों प्लेनेट की सभी जगह पर अपने रहने की जगह ढूंढने लग जाते हैं और रास्ते में उन्हें बहुत सारे क्रिएचर दिखाई देते हैं। इसीलिए विली उनकी फोटो लेने की कोशिश करता है। फिर वो एक जगह पर रहने का डिसाइड करते हैं। इसीलिए बक विली को चॉकलेट देकर आसपास के एरिया को चेक करने के लिए चला जाता है। तभी विली के पास एक क्रिएचर भागता हुआ आकर छिप जाता है, लेकिन उसके पीछे पीछे मॉन्स्टर क्रिएचर और उसके बच्चे भी आ जाते हैं जो उसे खाना चाहते थे, लेकिन विली उसे बचाकर भगाने लग जाता है। तभी बक वहाँ आकर विली को ट्री पर बिठाकर मॉन्स्टर क्रिएचर को नीचे गिराकर घायल कर देता है, जिससे विली बहुत खुश होता है। बक क्रिएचर को देखकर विली से कहता है कि तुम्हारे खाने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन विली उसे खाना नहीं चाहता था। इसीलिए विली उस क्रिएचर का नाम फ्लैश राइडर रखकर अपना दोस्त बना लेता है। ये सुनकर फ्लैश बहुत खुश होता है, मगर बक विली से कहता है कि अगर तुम इसे नहीं खाना चाहते तो ये हमारे किसी काम का नहीं, और वो फ्लैश को वहाँ से भगा देता है। फिर वो दोनों रात में रेस्ट करने के लिए रुकते हैं, जहाँ पर विली अपनी क्लिक की गई फोटोज को देख रहा होता है, लेकिन वो एक भी क्रिएचर की फोटो नहीं क्लिक कर पाया था, इसीलिए उदास था। तभी उसके सामने एक स्मॉल क्रिएचर गुजरता है, इसीलिए उसकी फोटो लेने की कोशिश करता है, मगर फोटो खींच नहीं पाता, जिससे वो दुखी हो जाता है। ये देखकर बक क्रिएचर की फोटो क्लिक करने में विली की मदद करता है, जिससे विली क्रिएचर की पूरी फैमिली की फोटो क्लिक करके बहुत खुश होता है और फोटोज को देखते देखते सो जाता है। उसके बाद बक अपने प्रोग्रामिंग सिस्टम को चेक करता है, जिसमें उसकी बैटरी 50% रह जाती है, इसीलिए वो खुद को स्लीप कर लेता है। अगली सुबह बक और विली बेस कैंप के लिए जगह ढूंढने के लिए जा रहे होते हैं, तो फ्लैश भी बक से छिपते हुए उनके साथ रहता है। तभी बक और विली को क्रिएचर की आवाज सुनाई देती है, इसीलिए उसके पास जाकर देखते हैं कि एक बीटल उल्टा हो जाने की वजह से परेशान होकर अपने सिंह की मदद से आवाज लगा रहा होता है, जिसकी वजह से उसके साथी उसकी मदद के लिए आकर उसे सीधा कर देते हैं, जिससे उनके साथ चला जाता है। वही विली को बहुत भूख लग रही थी, इसीलिए बक वहाँ मौजूद बहुत सारे फ्रूट तोड़कर उसे खाने को देता है, मगर विली को बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। इसीलिए फ्लैश उन्हें इशारे में बताने की कोशिश करता है कि ये फ्रूट स्वादिष्ट नहीं है। तभी बक एक ऐसे फल को तोड़ता है जिसके रस की वजह से वो खुद ट्री से चिपक जाता है। इसीलिए विली उसकी मदद करने की कोशिश करता है, मगर लकड़ी टूटने की वजह से वो फिसलते हुए एक तालाब में जाकर गिर जाता है। ये देखकर फ्लैश उसके पीछे पीछे आ जाता है। फिर वो दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। उसके बाद वो विली को खाने के लिए रसीले ग्रेप्स देता है, जिसे खाने के बाद विली को काफी अच्छा लगता है। वहीं बक भी ट्री से छूटकर उनके पास आ जाता है, मगर बक को देखकर फ्लैश वहाँ से भाग जाता है, जिसकी वजह से विली बक से नाराज होकर उसे दूर जाकर खड़ा हो जाता है। ये देखकर बक उसे हक करता है ताकि विली को अच्छा महसूस हो सके। तभी विली उसे कहता है कि हमें यहाँ पर रहते हुए बहुत दिन हो गए, मगर अभी तक हमें ढूंढने के लिए कोई नहीं आया, जिस पर बक उसे समझाता है कि बहुत जल्द हम अपने प्लेनेट पर पहुंच जाएंगे। उसके बाद वो दोनों बेस कैंप बनाने के लिए लकड़ियों को इकट्ठा कर लेते हैं। तभी फ्लैश झाड़ियों में से छिपकर विली को बीटल की फोटो खींचने के लिए बुलाता है। इसीलिए विली बहाना बनाते हुए बक से कहता है कि मुझे बहुत जरूरी काम याद आ गया, जिसे करने में काफी वक्त लग सकता है। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। फिर विली और फ्लैश बीटल के पास जाकर उसकी फोटो क्लिक करते हैं, मगर कैमरे की लाइट की वजह से बीटल डरकर नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से उसका सिंह टूट जाता है और वो बोल नहीं पा रहा था। ये देखकर विली उसके सिंह को लेकर रस्सी से बांध देता है, जिससे वो
बहुत खुश होकर वहाँ से चला जाता है। तभी फ्लैश विली को खेलने के लिए अपने साथ बहुत सुंदर तालाब पर लेकर जाता है, जहाँ पर वो दोनों खूब मस्ती करते हैं। वहीं बक विली को सभी तरफ ढूंढते ढूंढते उनके पास आकर अपने हैंड गैजेट की मदद से उन्हें अपने पास खींच कर ले आता है, मगर फ्लैश वहाँ से भागकर झाड़ियों में छिप जाता है। वहीं बक विली से कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हारे बारे में पता होना चाहिए। तो विली उसे माफी मांगता है, मगर तभी गलती से विली पोइनोनोस प्लांट को पकड़ लेता है। फ्लैश देखकर विली को बचाने के लिए एंटीडोट लेने के लिए जाती है, क्योंकि उसे पता था कि पोइनोनोस प्लांट के इन्फेक्शन की वजह से विली मर सकता है। वही विली की बॉडी ग्रीन होने लग जाती है, जिसकी वजह से वो नीचे गिरने लगता है। तो बक ये देखकर विली के इन्फेक्शन हैंड को स्कैन करने के बाद पोइनोनोस प्लांट की वजह से होने वाले इफेक्ट को खत्म करने के लिए आसपास उसका एंटीडोट ढूंढने लग जाता है। लेकिन विली में इन्फेक्शन बढ़ने की वजह से उसकी हार्ट बीट कम होने लग जाती है, जिसकी वजह से वो बेहोश होकर सपने में अपने मॉम डैड से मिलकर बहुत से क्रिएचर की फोटोज दिखाता है, जिससे वो बहुत खुश होकर उसे कहते हैं कि तुम बहुत अच्छे एक्सप्लोरर बन चुके हो और तुम अकेले रह सकते हो। उसके बाद वो पॉड में बैठकर उसे छोड़कर चले जाते हैं, जिससे विली स्पेस में खो जाता है। वही फ्लैश बहुत तेजी से दौड़कर एक एंटीडोट प्लांट को तोड़कर उसके रस को विली को पिला देता है, जिससे विली की जान बच जाती है। फिर विली और बक वहाँ से जाने लगते हैं। तभी बक फ्लैश को अपने साथ रहने की परमिशन दे देता है, जिससे वो बहुत खुश होकर उनके साथ रहने लग जाता है। अगली सुबह फ्लैश एक अंडे में बदल जाता है, क्योंकि वो मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस से गुजर रहा था, मगर तभी वो अंडे से बाहर आकर विली के साथ मस्ती करने लग जाता है। उसके बाद विली बक की मदद से एक एक करके बहुत सारे क्रिएचर की फोटोज का कलेक्शन कर लेता है और वो अपने रहने के लिए बेस कैंप बना लेते हैं, जो बहुत सुंदर था। फिर विली और बक मिलकर खाने के लिए बहुत सारे फ्रूट तोड़कर कलेक्ट करते हैं, मगर फ्लैश आकर सभी फ्रूट को खा जाता है। तभी बक लेजर की मदद से फ्लैश के साथ मस्ती करने लग जाता है, जिससे सभी बहुत खुश होते हैं। लेकिन तभी आसमान में काले बादल हो जाते हैं, तो बेस कैंप में छिप जाते हैं, मगर फ्लैश उन्हें इशारे से अपने साथ चलने को कहता है। मगर जब तक उसकी बात को समझते तभी बारिश होना शुरू हो जाती है, इसीलिए वहाँ मौजूद सभी प्लांट अपनी शील्ड के अंदर छिप जाते हैं। लेकिन कुछ देर बाद ओले गिरने लग जाते हैं, जिससे उनका बेस कैंप टूटने लग जाता है। इसीलिए विली और बक वहाँ से दूसरी जगह छिपने के लिए जाते हैं, मगर ओले काफी ज्यादा गिर रहे थे, इसीलिए बक उसे बचाने की कोशिश करता है। लेकिन ओले की साइज बहुत बड़ी थी, तो बक विली को बचाने के लिए प्रोटेक्टर शील्ड को ओपन कर देता है, जिसकी वजह से उसकी बैटरी लो होने लग जाती है। लेकिन बक विली की जान बचा लेता है। अगली सुबह सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद फ्लैश उनके पास आ जाता है। तभी बक कहता है कि मैं कुछ टाइम के लिए तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ, क्योंकि प्रोटेक्टर शील्ड एक्टिवेट करने की वजह से मेरी बहुत ज्यादा पावर खत्म हो गई, इसीलिए मुझे ट्रांसमीटर को ऑन रखने के लिए पावर सेविंग मोड में जाना होगा, जिससे मैं पूरी तरह स्लीप मोड में रहूंगा। तो विली उसे कहता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, जिस पर बक उसे समझाता है कि तुम्हारा ख्याल फ्लैश रख सकता है और तुम्हारे मिशन में फ्लैश तुम्हारी मदद करेगा, क्योंकि उसे इस प्लेनेट के बारे में बहुत सारी जानकारी है, जिसकी वजह से तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। उसके बाद बक खुद को स्लीप कर देता है, जिससे विली बहुत दुखी होता है। फिर वो बक को लेकर सुरंग में आ जाते हैं, ताकि वहाँ पर उसे कोई डैमेज नहीं कर पाए। लेकिन तभी विली अपने कमरे की मदद से पावर बैटरी को देखकर उसे लेने के लिए जाने लगता है, तो फ्लैश उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर उसकी बात नहीं मानता। ये देखकर फ्लैश भागकर पावर बैटरी को लाने के लिए दौड़कर चला जाता है। तभी रॉक मॉन्स्टर जाकर विली पर हमला कर देता है, तो विली बचकर सुरंग में आ जाता है। वहीं फ्लैश रॉक मॉन्स्टर से बचते हुए भाग रहा होता है, मगर मॉन्स्टर के मरने की वजह से वो घायल होकर नीचे गिर जाता है। ये देखकर विली उस मॉन्स्टर से बचाकर जल्दी से सुरंग के अंदर लेकर जाता है। उसके बाद विली फ्लैश को लेकर जंगल की तरफ जाने के लिए निकलता है, मगर वो चलते चलते बहुत थक चुका था। तभी वो एक गड्ढे में गिर जाता है, तो अपने गैजेट की मदद से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन एंगर के साथ चट्टान भी नीचे आ जाती है, इसीलिए वो मदद के लिए आवाज लगाने लगता है और उदास होकर बैठ जाता है। तभी उसे बीटल का टूटा सिंह दिखाई देता है, जिसकी मदद से आवाज लगाने लगता है, जिसे सुनकर वहाँ पर बहुत सारे बीटल आ जाते हैं। लेकिन विली को देखकर एक बीटल उसकी मदद के लिए रुक जाता है और बाकी के बीटल चले जाते हैं, क्योंकि विली ने उस बीटल की उसका सिंह जोड़ने में उसकी मदद की थी। फिर विली बीटल की मदद से ऊपर आकर उससे मिलकर बहुत खुश होता है, जिससे वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। फिर विली और फ्लैश बक के पास आ जाते हैं। तभी विली बक से कहता है कि मैं फ्लैश के साथ
रहकर प्लेनेट को एक्सप्लोर करता रहूंगा और तुम मदद के लिए सिग्नल भेजते रहना। उसके बाद विली अपने मोम डैड को मिस करने लग जाता है। फिर हमें 10 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फ्लैश बहुत बड़ा हो चुका होता है। विली और फ्लैश एक दूसरे के साथ रेस करते हैं। फिर वो दोनों छिपकर बहुत क्रिएचर की फोटो लेने की कोशिश करते हैं मगर वहाँ से भाग जाता है, इसीलिए वो दोनों अलग अलग होकर उसे ढूंढने के लिए जाते हैं। विली राइड करते हुए क्रिएचर का पीछा करने लगता है, तभी एक चट्टान उसकी वजह से छोटे क्रिएचर की ओर आ रही थी। ये देखकर विली उन्हें बचाने के लिए अपने तीर से चट्टान को वहीं रोक देता है। विली राइड करते हुए ट्री से टकरा जाता है, तभी फ्लैश भी उसके पास आ जाता है। फिर विली उस क्रिएचर की फोटो क्लिक कर लेता है जिससे वो दोनों बहुत खुश होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि रात के टाइम विली फ्लैश के साथ बैठकर फोटोज के कलेक्शन को देखकर दोनों पॉपकॉर्न खाकर सो जाते हैं, लेकिन तभी फ्लैश उसे जगा देता है क्योंकि उसे आसमान से प्रोब दिखाई दिया था। तो विली कैमरे की मदद से प्रोब को देखकर बग के पास जाने के लिए फ्लैश को कहता है मगर वो मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस में चला जाता है, इसीलिए विली अकेले ही बग के पास जाता है मगर उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी जिसकी वजह से वो प्रोब तक सिग्नल नहीं भेज पा रहा था। इसीलिए विली पावर बैटरी लाने का डिसाइड करता है और रॉक मॉन्स्टर से लड़ने के लिए तैयार होकर अपनी मदद के लिए बीटल बुलाता है। फिर विली बीटल पर बैठकर रॉक मॉन्स्टर के इलाके में आ जाता है जहाँ पर बैटरी छूट गई थी। विली बीटल को छिपने का बोलकर बैटरी लेने के लिए चला जाता है और वो छिपते छिपते पावर बैटरी के पास पहुँच जाता है, लेकिन जब वो बैटरी को जमीन के अंदर खींचकर बाहर निकालता है तो पॉट का टुकड़ा नीचे गिर जाता है जिसकी वजह से सभी रॉक मॉन्स्टर जाकर विली पर हमला करने लग जाते हैं। तो विली उनसे बचने के लिए गैजेट में से आग निकालकर मॉन्स्टर को डराने की कोशिश करता है मगर तभी गैजेट में गैस खत्म होने की वजह से वो बंद हो जाता है, इसीलिए विली उनसे बचकर भागने लग जाता है। तभी उसकी मदद के लिए बीटल आ जाता है। वो रॉक मॉन्स्टर से बचते हुए बीटल के ऊपर बैठकर वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी एक रॉक मॉन्स्टर उन पर हमला करके नीचे गिरा देता है जिससे पावर बैटरी नीचे गिर जाती है। तभी विली मॉन्स्टर को अपनी तरफ आता हुआ देखकर उससे लड़ने की कोशिश करता है मगर रॉक मॉन्स्टर उसे ऊपर फेंक कर खाने वाला होता है। तभी फ्लैश वहां आकर उसकी जान बचा लेता है जिससे वो बहुत खुश होते हैं। तभी विली फ्लैश को पावर बैटरी ढूंढ कर लाने के लिए भेजता है और वो चट्टान पर जाकर अपने कैमरा की मदद से रॉक मॉन्स्टर की तरफ लेजर लाइट में अपनी फोटो दिखाता है जिससे वो सभी आपस में टकरा कर खत्म हो जाते हैं, लेकिन एक रॉक मॉन्स्टर फ्लैश के पीछे जाने लग जाता है, इसीलिए विली उसकी मदद के लिए उसके पास जाता है और मॉन्स्टर को तीर मारकर नीचे गिरा देता है। उसके बाद वो वहां से जाने लगते हैं। तभी रॉक मॉन्स्टर उनके पीछे आने लगते हैं। ये देखकर विली अपने गैजेट की मदद से उन्हें नीचे गिरा देता है और उनकी फोटो क्लिक करके बग के पास जाने के लिए निकल जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि विली बग के अंदर पावर बैटरी लगा देता है जिससे एक्टिव हो जाता है। बग उनसे मिलकर खुश होता है। तभी प्रोब उनका सिग्नल पहचान लेते हैं जिसकी वजह से उन्हें वहां से ले जाने के लिए रिट्रीवल पॉड 24 आवर्स में आने वाला था जिससे विली को बहुत अच्छा लगता है। फिर अगली सुबह देखते हैं कि विली वहां से बहुत सारी चीजें कलेक्ट कर रहा होता है ताकि उन्हें घर पर लेकर जा सके। तभी वहां पर रेस्क्यू पॉड आ जाता है, इसीलिए वो बीटल से मिलकर पॉड की तरफ जाता है मगर फ्लैश विली के साथ नहीं जाना चाहता था क्योंकि उसे अपने प्लेनेट पर बहुत अच्छा लगता है जिसकी वजह से विली बहुत दुखी होता है। तभी बग उसे चलने को कहकर पॉड में चला जाता है, इसीलिए विली फ्लैश से मिलकर पॉड में चला जाता है। तब फ्लैश चट्टान पर आता है और उन्हें देखकर बहुत खुश होता है। तभी विली फ्लैश से दोबारा मिलने का प्रॉमिस करता है। वहीं पॉड विली और बग को स्पेसशिप में लेकर जाता है जहाँ पर वो अपने मॉम डैड से मिलकर बहुत खुश होता है और उन्हें अपने दोस्त फ्लैश और बीटल के बारे में बताने लग जाता है क्योंकि उन्होंने बग की बैटरी लाने में उसकी मदद की थी और वो बहुत खुश होते हैं। और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। और गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो का 10K लाइक एम जल्दी पूरा कर दें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए ऐसी और वीडियोस लाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।